आप सबका तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए आज का दिन बहुत खास रहने वाला है। ये मैं हूँ, है ना लोंडा स्मार्ट, ऐसा मुझे लगता है। खैर नजर ना लग जाए, मैं दुनिया जहान भूल कर 3 साल तक UPSC के पीछे पड़ा रहा, पर कुछ ना हुआ। माँ बोली इतना टाइम किसी लड़की को दिया होता ना तो घर में बहू आ जाती, तो बस मान ली माँ की बात, बहू ढूंढने बम्बई आ गया। मम्मी चाय बना दो। ओए मेरी शक्ल क्या आंटी जी से मिलती है? अबे तेरी शक्ल तो बहुत बुरी है, मेरी मम्मी तो बहुत सुंदर है। तो तू रोज सुबह सुबह गला क्यों फाड़ता है यार? तू नोएडा नहीं मुंबई है, मुंबई, और माता जी को वही छोड़ा है। भाई पुरानी आदत है यार, धीरे धीरे ही तो जाएगी। तेरे यही हरकतें रही ना तो एक दिन सदमे से मेरी जान चली जाएगी। ओए एक मिनट खड़े हो, क्या हुआ? लेफ्ट घूम राइट घूम, फोटो शूट कर रहा है क्या? वही तो मेरे कपड़े। हाँ तो मैंने कब कही मेरे हैं? पहन के तो तूने रखे। तो मैंने कब कही मैंने ना पहन रखे? पहने कैसे? हाथ से। अरे मेरा कहने का मतलब है तूने ये कपड़े पहने कैसे, ये तो मैंने नहीं पहने यार आज तक। भाई इधर आ, हाथ दे। मेरी ना आज डेट है तो मैंने तेरी अलमारी से रात को तेरे नए कपड़े चुराए और रात को ही तैयार होके सोगा। मुझे तेरे लक्षण ठीक नहीं लग रहे। एक तो तूने वो कल्लू चोर से महंगा वाला फोन खरीद लिया। छोरो मेरे भाई, वो जिसका फोन है ना, हाँ, वही लड़की तो आज मिलने आ रही है, आज मिलने आ रही है। वाह, और हैकर पिंटू उससे नकली इंस्टा अकाउंट बनवा लिया, पैसे मांग रहा था वो। अबे ओए उस नकली इंस्टा अकाउंट से ही असली लौंडिया पटाऊंगा मैं। झुमरू तो यही तो भूल जाता है, नकली इंस्टा अकाउंट से तेरे लिए असली ओरिजिनल भाभी लेकर आऊंगा मैं। बोल दियो उस पिंटू हैकर को, शादी के बाद उसका सारा अकाउंट सेटल कर दूंगा। किस दुनिया में रह रहा है तू? चोरी का फोन, नकली इंस्टा अकाउंट, और ये उधार के कपड़े पहन के शादी करेगा? अबे चल। रहस्य और बिगाड़ दी। एक दिन ऐसा आएगा जब तेरा ये दोस्त अमीर लड़की से शादी करेगा और मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। उसी दिन तेरे कपड़े भी लौटा दूंगा और तेरे 10,000 रुपए भी। 10,000 रुपए? कौन से 10,000 रुपए? वो जो तेरे बैग में रखे थे ना। अच्छा वो रेंट के 10,000 रुपए? वो पैसे लौटा दे, घर से निकाल देंगे हम दोनों को। भाई भाई तेरे को पता है भाई, जो ये अमीर लड़कियां होती है ना, ये बहुत महंगे महंगे इटालियन रेस्टोरेंट में डेट करती है। अब तेरा भाई तेरी भाभी को डेट करने जाएगा और जेब में चवन्नी भी ना हो, बस मात्र तेरे 10,000 रुपए चुराए हैं भाई। उन्हीं से बिल पे करूंगा, उन्हीं से तेरी भाभी को इम्प्रेस करूंगा। बताओ यार दोस्ती के बीच में पैसे आ गए। रो मत। अरे भाई 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 मेरी बात सुन ले प्लीज। अबे चलना, कुछ दोस्ती नहीं होती। आजकल सबके लिए पैसा जरूरी हो गया है, सब पैसों का खेल है सब। कोई खेल नहीं है भाई, सुन मेरी बात, मेरे पैसे लौटा दे, मेरे जॉब के सेविंग्स के पैसे। भाई मैं एक काम कर सकता हूँ? हाँ।
जो मैं इटालियन रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा हाँ। जितना भी बचेगा हाँ। सब तेरे लिए पैक करा के ले आऊं। खाने का क्या करूंगा जब ये घर ही नहीं। शट अप, एक बात सोच, कल को जब मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा, जब मेरे पास बहुत पैसा होगा, तो मैं तो तेरे लिए 10 बड़ी बड़ी कंपनियां खोलूंगा। नहीं, मेरे को इसी कंपनी से प्यार है, मेरे पैसे लौटा दे भाई। अरे यार ये क्या बदतमीजी है, मेरा कच्चा क्यों नहीं धोया तूने? बहुत काम रहता है कि मैं भूल जाता हूँ, कैसे याद रहेगा? भाई क्या पनौती दोस्त पाल के रखे। अरे भाई साहब क्या रेस्टोरेंट है, फुल चमक रहा है, इतना तो मेरा भविष्य भी नहीं चमक रहा है यार। 10,000 रुपए कम ना पड़ जाएं, कभी फोन और अपने कपड़े वपड़े सब बेच के जाने पड़े हैं। मैं तो हूं ही लेट, वो मुझसे भी सुपर लेट। ये सीट खाली है, यहीं पे बैठता हूँ। क्यों ना वेटर को बुलाया जाए और उसे कुछ पैसे दिए जाए, ताकि वो सेट होके मेरी बहुत इज्जत करे और लड़की को लगे कि मैं तो बहुत इज्जतदार हूँ। तो बिल्कुल वैसे ही दिखते हो जैसे फोटो में दिखते हो, उससे भी ज्यादा सुंदर। क्यों, नहीं लगना चाहिए था? नहीं लगना चाहिए था, लेकिन मेरे साथ ना हमेशा गेम हो जाता है। लड़की ना फोटो में ऐसे दिखती है जैसे गुलाब का फूल हो, और सामने आते ही गोभी का फूल। ये ना फिल्टरों ने ना जमाना बिगाड़ रखा है। You don't have to worry. I have no filters. सच्ची मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्या करूं, अब तो मुझे इंतजार की आदत हो गई है ना। कितने प्यार से बोलती हो, आपकी आवाज तो बिल्कुल कोयल जैसी है। वैसे ऐसा होता है ना कि लड़कियां ना टाइम से आती नहीं है, तो मैंने जस्ट इसीलिए पूछा था। तुम इन बेकार स्टीरियोटाइप्स में बिलीव करते हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं, किसने बोला? और वैसे भी स्टीरियो का तो जमाना बीत गया, अब तो सब फोन में गाने सुनते हैं। फोन से याद आया, वो मेरा जो फोन चोरी हो गया वो तुम्हारे पास है ना? हाँ ये रहा ना, आप फिकर ना करें, इस फोन को मैं संभाल के रखूंगा। अच्छा, उस दिन जब तुम्हारा फोन आया था ना पहली बार, जब मैंने पहली बार तुम्हारी आवाज सुनी थी, उस दिन मैं मंदिर गया और 11 रुपए का प्रसाद बांट के आया। मुझे बहुत खुशी हुई थी। इस फोन को तो मैं संभाल के रखूंगा हमेशा के लिए। चोरी का फोन है, क्या पता वापस चोरी हो जाए, कुछ पता थोड़ी ना है। सेफ्टी फर्स्ट, स्मार्ट। स्मार्ट तो जी हमारी बकरी का नाम है, मेरा नाम तो अमित है। अच्छा, अमित बड़ाना। I was dying to know your name. आप भी अपने बालों में डाई लगाते हो? नहीं यार, मुझे तो लगता नहीं बिल्कुल भी, आपके तो बड़े सुंदर बाल हैं। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम के है। आप हरियाणा से हो? अरे मुझे भी थोड़ी थोड़ी हरियाणवी आती है। What? तेरा नाम के है छोरी? नहीं नहीं, मेरा नाम के है। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तेरा नाम के है? के ही मेरा नाम है, माई नेम इज के। आप हरियाणा से नहीं हो? नहीं। और आपका नाम के है? Yes. I'm sure तुम्हारी बकरी तुमसे ज्यादा स्मार्ट होगी। और बताएं? मैं बताता हूँ ना सर, हेलो सर। सिर्फ हेलो सर, हेलो मैम कौन बोलेगा? मैम क्यों सर? क्यों नहीं के? समझ गया। क्या समझ गया? The customer is always right. Hello मैम। ओ मेरे भाई, कस्टमर सिर्फ राइट में नहीं होता, लेफ्ट में भी होता है। सॉरी बोल।
सॉरी मैम, सॉरी सर। प्लीज यार पका मत, खाना पका, आओ थोड़ी देर में। ये आजकल के जवान लोंडे लड़कियों को देख के ना थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। यू मीन नर्वस? हाँ हाँ, यू गॉट इट। वैसे तुम ही उस वेटर में ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसी से बात कर लो ना, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बैठ जाइए, मुझे तो आपसे ही तो बात करनी है, आप ही के लिए तो मैं आया हूँ। अच्छा तो वो फोन जो तुम्हारे पास है? हाँ मेरे पास है, मैंने खरीद लिया। अब भूल जाओ इस फोन को। यार तुम तो ना मुझे ना दिखने में भी बहुत अमीर लग रही हो, तुम तो ऐसे 10-10 फोन खरीद लोगी। हाँ पर वो फोन स्पेशल था, आप समझने की कोशिश करो ना प्लीज। छोड़ दो ना उस फोन को, क्या हुआ, भूल जाओ उस फोन को। अच्छा कुछ और बात करते हैं ना, वैसे आपका शादी के बारे में क्या विचार है? क्या विचार मतलब? अब देखो उम्र तो हो गई आपकी भी शादी की, आपके मम्मी जी पापा जी मेरे होने वाले सास ससुर कहते तो होंगे ना कि शादी कर लो। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो क्या था किसी शायर ने कहा था, उम्र दरा दरा उम्र दरा। अरे अब क्या है अमित, क्या लिखा है तुमने? खड़े दिया मैम, आपने टाइम ही नहीं दिया ना लिखने का, मतलब ठीक है अब जल्दी बुला लिया आपने, मैं शूट कर रहा था, अगली बार और अच्छा लिखूंगा, अभी बोल दीजिए। चलो कम, लेट्स गो फ्रॉम द टॉप गाइस। चलिए कम, ओके। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, वो किसी शायर ने कहा था ना, आई एम ऑल अलोन। देखो जी इंसान अलोन ना रहे तभी तो शादी करता है ना जी। मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, अपने गांव में लेकर जाऊंगा, बढ़िया तरीके से साग की सब्जी खिलाऊंगा, मक्के की रोटी खिलाऊंगा, और मैं तो कमा भी बहुत अच्छा लेता हूँ। अच्छा क्या करते हो तुम? मैं नासा में जॉब करता हूँ। नासा? हाँ रियली? नहीं हो रहा यकीन। करा देता हूँ। वही तो है ना, आजकल की लड़कियों को एक ऐसा लड़का मिल जाए ना बहुत ज्यादा जो लाइफ में सक्सेसफुल है, पचा नहीं पाती। लीजिए। देख लीजिए फोटो, अब आई लव यू मत कहने लगना। मेरे माथे पे पगल लिखा हुआ है। मतलब? तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? मतलब इंटेलिजेंट? बेवकूफ। क्या हुआ? नकली प्रोफाइल ही बनानी थी तो कम से कम नासा की स्पेलिंग तो ठीक से लिख लेते ना। मैंने नहीं किया, ये पिंटू ने किया है। नासा की स्पेलिंग नसा लिखती, उस पांचवी फेल पिंटू ने फंसवा दिया मुझे। आई एम सॉरी। अच्छा रोना बंद करो, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हर आदमी इंटेलिजेंट और रिच नहीं होता, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हूँ। मेरी तरह? तुम भी स्कूल में भैंस पे बैठ के जाती थी? नहीं अमित जी, ये तो मैंने नहीं किया। मैं करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो, मैं कराऊंगा आपको भैंस की सवारी, पूरे गांव में घुमाऊंगा आपको, आप भी कहोगे यार किस इंसान से शादी करी, कितना महान इंसान है ये, और अपने इन्हीं हाथों से खाना भी खिलाऊंगा। हमारे लिए तो आज तक किसी ने एक टमाटर भी नहीं काटा। मैं काटूंगा ना, टमाटर तो कुछ भी नहीं है, आपके लिए गन्ने के खेत काट दूंगा। मैं काटता हूँ ना मैम, अभी आपको ऑर्डर काटता हूँ। हेलो मैम। फिर मैम बोल रहा है I'll have a bloody Mary। चल लेकर आ एक।
मैरी लेकर आ। ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी। ओके। वन ब्लडी मैरी। तू 100-200 ग्राम बेकूफ है क्या थोड़ा सा? भाई मेरे लिए भी लेकर आ। टू ब्लडी मैरी। दो इतने प्यारे लोग बैठे हैं तो दोनों के लिए लेकर आना एक एक। एक एक करके लाऊं मैम? नहीं नहीं नहीं, चम्मच से लाना और हमें 100-200 ग्राम पिलाता जा, हम ऐसे ही पेट भर लेंगे। भाई रैम का जाओ ले आओ दो ब्लडी मैरी। मैं ना वेटर को समझा के आता हूँ, बार बार आ रहा है, बहसबाजी कर रहा है, अमीर लोग देखे नहीं बहस करने लगते हैं ये। छुप के बैठा है। पठाना साहब को ढूंढ रहे हो क्या? हाँ। मिले? नहीं, तूने देखा कहीं? भाभी से मिलवा दे यार। भाभी से मिलियो फेरों पे। राहु की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तेरी वजह से मैं कुआरा मरूंगा। नहीं 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 भाई, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। अच्छा सुन यार, वो थोड़े पैसे दे देता तो। भाई एक अच्छी नौकरी कर लेता ना तो आज ऐसे अपने दोस्त से पैसे मांगने की जरूरत भी ना पड़ती। मैं मानता हूँ यार तेरे पैसे हैं, लेकिन यार तू ऐसे थोड़ी ना डेट के बीच में आके पैसे मांगने लगेगा, इज्जत ही नहीं छोड़ रहा यार दोस्ती की कुछ। नहीं नहीं सही बात है, पर बीटेक के बाद यही जॉब लगी यार, तू कर भी क्या सकता हूँ ना। तू मेरा भाई है, तुझे एक एडवाइस दे रहा हूँ, उसके बाद तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ये देख अभी scalar.com पर रजिस्टर कर ले, स्मार्ट तो तू है ही, यहाँ से सुपर स्मार्ट बन जा। ये एक ऑनलाइन टेक अकेडमी है जहाँ टॉप टेक कंपनीज के एक्सपर्ट्स स्टूडेंट्स को पढ़ाकर उन्हें फाइनेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनने में हेल्प करते हैं। 1-on-1 डाउट क्लियर करवाने वाले ऐसे मेंटर और कहीं नहीं मिलेंगे। और स्केलर अकेडमी से टेक स्किल्स सीखकर गूगल अमेज़न जैसी कंपनीज में जॉब लगती हैं, वो भी सीधा। मतलब स्केलर से ट्रेनिंग लेके IIT लेवल की जॉब्स? हाँ, स्केलर के स्टूडेंट्स को एवरेज सैलरी हाइक 126% मिलती है। और एक बार तू अगर अपना लेवल ऊपर कर लेगा तो मिलवा दूंगा यार तेरी भाभी से भी तुझे। तेरी बात तो सही है। जूस वूस ऑर्डर कर दे कुछ। भैया एक सस्ता सा जूस देना। और भाई तू फिर भाग गया कोलीबाज। अरे ये आजकल के लोग भी ना, जब तक पैसे ना दो इन्हें इज्जत नहीं करते। अभी पैसे दिए, कह रहा इज्जत मिलेगी सर पूरी की पूरी आपको। अब सुनो, मुझे लेट हो रहा है, क्या तुम मुझे मेरा फोन वापस दे सकते हो प्लीज? नहीं। क्यों? क्योंकि ये आखिरी निशानी है जो मुझे तुमसे मिली है। इतनी प्यारी चीज मैं कैसे दे दूं, इसको तो मैं संभाल के रखूंगा। देखो मुझे मेरा फोन वापस चाहिए। मैं फोन वापस नहीं दूंगा। और थोड़े दिन की तो बात है, जब हम दोनों की शादी हो जाएगी तो मेरी सारी चीजों पर तुम्हारा हक है, मेरी बाइक भी तुम ले लेना। तुम शादी के लिए कितना एक्साइटेड हो? अरे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तुम पूछो मत। मैं जिस दिन पैदा हुआ था मेरा पहला सपना था शादी करनी है यार, बड़ा होके चाहे कुछ हो जाए। अब मैं लूंगा तुम्हारे साथ फोटो और अपनी मम्मी जी को भेजूंगा, बोलूंगा मम्मी जी लो तुम्हारे लिए बहू चुन ली है। आजाओ देखो सेल्फी में हंसना, मेरी मम्मी को ना हंसमुख लड़कियां बहुत पसंद है। स्माइल प्लीज। ओ वाओ कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। तो शादी यहीं करोगे या फिर नोएडा होगी? सुनो अब तुम मेरी बात सुनो, तुम बहुत खूबसूरत हो दिल से, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। जिस दिन मुझे लगेगा मैं रेडी हूं मैं सबसे पहले तुम्हें फोन करूंगी, ठीक है? और वैसे भी हम एक ही बार तो मिले हैं ना। तो एक काम करते हैं ना, मैं बाहर चला जाता हूँ फिर वापिस आकर बैठ जाऊंगा, फिर चला जाऊंगा फिर आकर बैठ जाऊंगा, फिर जाऊंगा फिर आकर बैठ जाऊंगा। हमारी तो 2-3 मुलाकातें हो जाएंगी। जान गए, मुझे लगता है एक पति परमेश्वर को जानने के लिए ना सिर्फ 4-5 मुलाकातें काफी हैं। तुम तो रुक ही नहीं रहे हो। देखो अमित एक बार सोच लो। मैंने सोच लिया और मेरी तरफ से हाँ है, तुम अपना बताओ बाबू। मेरा मतलब है फोन का सोच लेते। नहीं फोन मैं नहीं देने वाला। अगर मैंने फोन दे दिया ना मुझे पता है तुम मुझसे नहीं मिलोगी फिर।
ये हमारी लास्ट मुलाकात हो जाएगी, फोन मेरे पास रहेगा, इस बहाने तो मिलने तो आओगी। ओके अच्छा तो मैं चलती हूँ। आप जा रहे हो? घर जाके फोन कर देना। ओके बेबी। जैसे कपड़े खिल जाते हैं धुलकर, मैं तुम सही हो गया हूँ तुमसे मिलकर। दिवाली की लड़िया चमक रही है खिलकर, मैं तुम सही हो गया हूँ तुमसे मिलकर। तुम्हारे घर का पता जो मिले तो खत भिजवा दूँ, खत भिजवा दूँ। तुम आज ही हाँ कर दो, कल अपनी मम्मी से मिलवा दूँ, से मिलवा दूँ। डर बस तुम्हारे मुझे पापा का है, वो खाने ना भिजवा दे मेरी आशिकी ना रुकवा दे। डर बस तुम्हारे मुझे पापा का है, वो थाने ना भिजवा दे मेरी आशिकी ना रुकवा दे। बात मेरी समझो ना, मुझे दिलबर कह दो ना, मुझे अपना समझो ना, मुझे दिलबर। हेलो के बेटा। हाँ जी मम्मी, नमस्ते। बेटा कैसा है तू? तू कितना सीधा हुआ करता था, तू ये नशे में कैसे पड़ गया बेटा? और ये मम्मी तक कैसे पहुंच गई मेरी फेक इंस्टाग्राम प्रोफाइल? मम्मी ये ना मेरी गलती ना है, यूं पिंटू हैकर की गलती है। उसने पता क्या करा, नासा की स्पेलिंग नशा लिख दी। है? ये इंस्टा मिस्टा क्या कर रहा है तू? और ये कैसी फोटो भेजी तूने? क्या लिखा है इसके नीचे? ये जो फोटो में मेरे साथ बैठी है ना, जो आपको कुछ समय बाद सासू माँ कह के बुलाएगी, पता है कितना प्यारा नाम है इसका? के के एल फॉर लव, एम फॉर मी, के लव मी, बन गया जोड़ा। कहाँ है बहू? इसमें तो सिर्फ तू ही दिखाई दे, बहू तो कोई दिखाई नहीं दे रही। नशा तो नहीं करके बैठा है तू? मम्मी जी मैं कोई नशा वसा नहीं करता। फोटो देख के बताओ आपको बहू कैसी लगी? रुक जा मैं तुझे फोटो भेजती हूँ। मम्मी चश्मा लगा के देखते ना। चेक कर ले फोटो। देखी फोटो? ये कौन है? पता नहीं सर, जब से आया है ना बस खुद से ही बातें करे जा रहा है। कभी बोलता है सर बोलो, कभी बोलता है मैम बोलो, और जब मैम बोलो तो बोलता है मुझे मैम क्यों बोल रहे हो। हेलो बेटा, हेलो हेलो, क्या करूं? मम्मी आप फोन काटना, अभी कॉल कर रहा हूं आपको। खड़ो खड़ो। मम्मी का ही फोन था ये, देख।
छोड़ ये देख यार, तू रात को अपनी शक्ल मत दिखाया कर, डरावने सपने आते हैं, मन डर जाता है। भाई मजाक नहीं करना। क्या हो गया तुझे? इस फोटो में मेरे साथ कौन कौन नजर आ रहा है? ये तू है और ये तेरी गंदी शक्ल। क्या हो गया? मजाक मत कर भाई। मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही है। मेरे साथ जो बैठा है वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा? के नहीं दिख रही तुझे? के मेरे साथ के बैठी है। भाई सो जा, तू गलत सपना देख चुका है, सो जा, कोई बात नहीं। जो लोरी सुना दो। आजा। मेरा फोन वापस दे दे। मेरा फोन वापस दे दे। जब तक मुझे मेरी प्यारी चीज नहीं मिल जाती, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति? 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 मुटकी? मुक्ति? मुटकी? मुटकी नहीं, मुक्ति। मुटकी? मुक्ति? मुटकी? मुक्ति? मुटकी? मुक्ति? भूत? क्या फोन भूत? जो आपकी फिल्म आ रही है। हाँ। कब रिलीज है वो? 4 नवंबर को रिलीज हो चुकी है। हो चुकी है? और आप अभी तक यहीं हो? जाओ ना, जाके देखो यार। कहिए ना, चाहिए तुरंत? तुरंत जाइए, मतलब मेरे कहने से नहीं जा रहे तो कैटरीना कैफ बोल रही है यार, चले जाओ। तुम मुझे क्यों नहीं अपनाते? मैंने तुम्हारी बिल्ली को भी अपनाया। हम तो तुम बिन नहीं हंस पाते। मैंने तुम्हारे कुत्ते को भी है हंसाए। हम अपने घर से तुम्हारे ट्यूशन की दूरी नापते हैं, नापते हैं। बस तुम्हारे सामने आते ही ना जाने क्यों कांपते हैं, कांपते हैं। साइकिल है पास फिर भी मिलने आते हैं चलकर। जैसे कपड़े खिल जाते हैं धुलकर। मैं तुम सही हो गया हूँ तुमसे मिलकर।
रख लिया मैंने कह दिया हर शख्स को जो तेरे खिलाफ है तकदीर जी तेरे आ जाने में सुन हसरतों की आवाज में बेपाक सा ये ख्याल है क्या ना तवा ये प्यार है मेरे हाल से तेरे चेहरे पे तबस्सुम जार जार है हर नब्ज से हूँ जूझता ये सूरत दरकार है जहनों जर जिस्म की जंग ये बरकरार है मर्ज़े इश्क की तू है दवा मुल्तज़िर मैं तेरा मयस्सर तेरे लिए है तुझसा कोई कहाँ